तो आप सभी का काफी दिनों से एक कमेंट काफी ज्यादा आ रहा था कि बजाज फिनसर्व कस्टमर केयर से कैसे बातें करना है। इससे पहले मैंने दोस्तों ऑलरेडी वीडियोस बनाया था जहां पे मैं बताया था कि कैसे आप बात कर सकते हो विद फेसबुक के थ्रू, यानी फेसबुक से चैटिंग करके, और आपको ऑटोमेटिक कॉल आएगा। जो कि मैंने बताया था कि इंश्योरेंस जो है कैसे यहाँ पे कैंसिल किया जाता है, अगर आपका बजाज फिनसर्व EMI कार्ड से कोई भी फोन को परचेस करते हो और बाई मिस्टेकली जो है इंश्योरेंस जो है वहां पे साथ में हो जाता है तो उसको कैसे कैंसिल करना है। रिसेंटली दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि बजाज फिनसर्व कस्टमर केयर से कॉल पे कैसे आप बातें कर सकते हो, और भी बहुत सारा जो है अपडेट वहां पे आपको मिल जाएगा जो कि आप ऑनलाइन भी अब सुन सकते हो और साथ में उसे कैंसिल करा सकते हो, फिर से जो भी आपको प्रॉब्लम है वहां से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो वीडियो पर बने रहेगा, एक एक स्टेप बताऊंगा यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले दोस्तों आना है अपने फोन में और यहाँ पे एक नंबर को डायल करना है 8698010101, ठीक है, इसको आपको डायल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाउड स्पीकर आपको ऑन कर दे रहा हूँ। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में आपका स्वागत है। आपको सूचित किया जाता है कि आपकी ईमेल आईडी हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है। अपनी ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए हमारे कस्टमर पोर्टल या बजाज फिनसर्व ऐप पर लॉगिन करें। आप bajajfinserv.in पर जाकर सपोर्ट फंक्शन का उपयोग कर अपनी निजी जानकारी अपडेट करने की विधि जान सकते हैं। धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए 1 दबाएं, एक्सक्लूसिव ऑफर्स के लिए 2 दबाएं, अपनी लोन डिटेल्स के लिए 3 दबाएं, अपने EMI नेटवर्क कार्ड के लिए 4 दबाएं, अपनी पसंदीदा भाषा बदलने, अपने EMI नेटवर्क कार्ड के लॉस या ब्लॉक संबंधी सूचना देने के लिए 1 दबाएं, अपनी लेटेस्ट EMI का स्टेटस जानने के लिए 2 दबाएं, अपने लोन स्टेटमेंट प्राप्त करने या अपने EMI नेटवर्क कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए 3 दबाएं, अपने लोन अकाउंट की जानकारी के लिए 4 दबाएं, अपने लिए उपलब्ध एक्सक्लूसिव ऑफर्स की जानकारी के लिए 5 दबाएं, मेन मेन्यू पर वापस जाने के लिए 1,700 और 94 रुपए का EMI अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से सफलतापूर्वक डेबिट हो गया है। हमारे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए 0 दबाएं। तो अभी दोस्तों मेरे को यहाँ पे कस्टमर केयर से बात नहीं करनी थी, लेकिन जो प्रोसेस है आपने देख ही लिया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, कॉल करना है, और कॉल करके और आसानी के साथ आप अपने कस्टमर केयर से बातें कर सकते हो और काफी सारा और बेनिफिट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।